हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कितनी प्यार से, दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज उठते ही इतनी खुशी हुई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि आज हमारा कोई भी घर फैला हुआ नहीं था, शुक्र है अल्लाह का। रात में जो हमने कल जो मेहनत की थी, उसे हम लोग थोड़ी सी मेहनत तो हुई थी, पूरा दिन हमारा लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा घर साफ हो गया। वरना जब मैं सुबह उठती थी ना, घर को देखती थी तो चक्कर आना शुरू रहते थे। आपको पता है, जब फैला हुआ होता है तो कितनी घबराहट होती है। जब इंसान का घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, हर एक चीज़ जगह पे सेटल हो ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। दिल को भी बड़ी खुशी होती है, टेंशन नहीं होती, बोझ नहीं होता। वरना दिल में ना अजीब सी बेचैनी चल रही होती है। मेरे साथ तो ये होता है, पता नहीं आप लोग का होता है या नहीं होता, आप लोग बताइएगा ज़रूर। मेरे साथ तो होता है, अगर मेरी कोई चीज़ अपनी जगह पे ना हो ना, यहाँ वहाँ हो, तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती है कि ये चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, इसकी ये जगह है, ये वहीं अच्छी लगेगी। तो मेरे साथ ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल सारे काम इतने अच्छे तरीके से हो गए थे। हस्बैंड ने भी मेरे साथ इतनी मेहनत की थी, ज़्यादा उन्होंने की थी, तो शुक्र है हम दोनों ने मिलके सारा काम निपटा लिया। पूरा घर हमारा साफ़ हो गया, शुक्र अल्लाह का। अब छत की सेटिंग करनी बाकी है, वो ऐसे ऐसा हम रहते रहते कर लेंगे। लेकिन अभी जो है ना, फिलहाल मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ता बनाने में मज़ा भी आया, तो साफ़ सुथरा सा है, जल्दी झटपट सा नाश्ता बना लेंगे। कल अम्मी के घर से हस्बैंड गए थे कब्रिस्तान रात में, तो अम्मी के घर से होते हुए आए थे, तो अम्मी ने मुझे दाल गोश्त ना, मेरे मिशन में बनाते वाले दिन दाल गोश्त बनाती हैं, साथ में डबल रोटी होती है ना, घी की डबल रोटी, एरोप्लेन जा रहा है उसका शोर हो रहा है, डबल रोटी ना तेह वाली, वो बनाती है। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, हमने बिरयानी की देख मंगाई थी, तो मैंने कहा अभी मेरी बिरयानी बना दी, बिरयानी मेरा थोड़ा सा खाया था रात में, थोड़ा सा मैंने रख दिया। मैंने कहा सुबह खाऊंगी, तो अभी मैंने ना जुहा जल्दी उठ गई थी, जुहा को मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई थी, तो मैंने जुहा को बन खिला दिया था, बन रखा था मेरे पास। अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ अपना, और ये पतीला भी खाली हो गया, इसको भी जरा भिगवाते हैं। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा, रात में कोई बर्तन नहीं थे। अभी बिरयानी, ये जो बिरयानी की जैसे हमने कल प्लेट में निकाली थी ना बिरयानी, उसकी ये वो है, और ये जोहा ने अभी बन खाया है, ये वो है, बस कोई बर्तन नहीं है। बाकी सब कुछ मैंने साफ़ सुथरा करके रख दिया था। ये भी खाली हो गया पतीला, ये देखें पूरा पतीला मैंने साफ़ कर दिया। अभी पतीले में से चावल जो बचे थे ना, मैंने सारे निकाल के ना बाहर डोली पर डाल दिया था, मैं कहा वो खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना फटाफट से सार, अब देखें कोई भी, जब मैं सुबह उठ के आती थी ना, हमेशा डस्ट होता था यहाँ पे। अभी बिल्कुल कल मैंने सफाई की है, तो कोई डस्ट नहीं हो रहा, देखें किसी डब्बे पे कोई डस्ट नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। वो इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो कवर हो गया है, अब बस ये थोड़ा सा चिड़िया जो है ना घोंसला बना रही है, इसका थोड़ा गन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका भी कोई सेटिंग बनाते हैं कि क्या करते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं अपने किचन में, और सॉरी कमरे में, कमरे में जाके जो है ना, ये मैंने तार हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि लाइट जाती है ना, तो फिर हम अपनी बैटरी में तार लगाते हैं, पंखा हमारा चलना शुरू हो जाता है। अभी ये घर गर्म भी नहीं हो रहा, शुक्र है अल्लाह का, सही ठंडा हो रहा है। ये तार हम यहाँ पे लगाते हैं, तो हमारा ये पंखा चल जाता है रात में जब लाइट जाती है। अभी तो खैर लाइट आ रही है, शुक्र है अल्लाह का। जी बेटा, गर्मी लग रही है, बना लिया आपने? मैंने आपको दिया था ना बनाने के लिए, आपने पायल को भी लिटाया हुआ साथ में। मैं आपको एक, आप मुझे इंडिया अस्सलाम तो कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? होप यू ठीक ठाक होंगे। मेरी दोस्त मैम से प्यार से आपको अभी झंडा तो मैं बना दूंगी, कौन सा? चलो झंडा बनाओ, पाकिस्तान का झंडा बनाओ जल्दी से। चलो जी, यहां पे हनी, आप क्या खाओगे? चावल खाओगे? अभी तो कुछ भी नहीं, पेट खराब है बहुत। चलो फिर मैं अपनी रोटी खा लूं। हां आप खा लो, मेरा पेट का मसला चल रहा है। ठीक है, जो हां आपको चावल गरम करूं? चावल जी, ये हम लोगों ने चावल जो है ना इसमें डाल के रखे थे, अब थोड़े से मैं अपने लिए गरम करूंगी, जितने मुझे खाने हैं बस। गरम करना, मुझे भी गरम करके। हाँ हाँ बेटा, आपको भी गरम करके दे रही हूँ, मेरी जान के टोटे। एक्स्ट्रा सामान सारा निकाल देती हूँ। अरे जुहार लगेगा बेटा, छोड़ो लगेगा। एक अंडा है रखा हुआ है, वो भी फ्राई कर लेती हूँ आलू के साथ डाल के। हाँ एग निकाल लिया मम्मा ने, एग मम्मा की जान, मम्मा की अंग्रेजी जानी, एग निकाल लिया। अच्छा चलो जी, मैं निकालती हूँ, अब नाश्ता बनाते हैं फटाफट से अपना, और रायता ये फेंकूंगी क्योंकि काफी दिन का रखा है। ये नानी के घर से आया बेटा, व्हाट इज दिस? नानी जोहा की इंग्लिश चेक करें, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये नानी के घर से खाना आया था, वो है प्लेट लेके आओ ना, काम तो क्या करो। ये पकड़ी है मम्मा के पास, चलिए मैं नंगे पर जाऊंगी। चप्पल पहने ना। मैं देने जा रहा हूँ, ये सब आपके अंदर
अभी जो मैं उठा रहा हूँ ना, इधर रख रहा हूँ, बाइक निकालता हूँ, उसको पहुँचाए ना उसको। ये देखो हस्बैंड ने बाइक निकाली है, कितनी इनकी बाइक में मट्टी थी, पूरा सहन यानी पूरा सहन गंदा हो गया आपकी बाइक से। वो तो आपको पता है, बाहर इतना गंद होता है, इसको सफा करूंगा। पूरी बाइक से गंदा हो गया सारा। ये तो आपको पता है, रोड का मामूल है, जब बाइक अंदर करो फिर बाहर निकालो, ये हालत होती है। कार को लपेट दो थोड़ा सा, लपेटे कम अभी लाइट जाएगी, फिर पंखा जलाएंगे। चलो चलो जी, मैंने यहाँ पे और ये सिलेंडर की वाशर लगवा दो, आप कह रहे हो ना लीक हो रही है, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए इसको। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी हल्का सा, ताकि मुलायम सिकेगी, वरना कड़क हो जाती है बहुत। बेटा मैंने चेंज नहीं किया, कितना प्यारी जबरदस्त सिक्की है रोटी, और हनी ने सफाई भी कर दी। पतीला लेके जाओगे ना अभी? अच्छा आप ये कुछ करोगे इसका फिर, चिड़ियाओं का? चलो चले जी, ये तो हो गई हमारी रोटी जबरदस्त वाली। अब इसको हल्का करते हैं, ये एक छोटा सा अंडा तपका रखा था, मैं बना लेती हूँ इसी नमक मिर्च वाला हल्का सा ना। जहाँ के लिए मम्मा चावल खाऊंगी, तो सुबह से चावल गर्म कर लेती हूँ। पहले आपको ये सालन जो रात का बचा था, माई कैसी होती है ना, मैंने अपनी अम्मी को बोला, मैं अम्मी मुझे वो सालन गिरा दो। हालांकि अम्मी ने रोटी अपनी सहेली के लिए बना के रखी थी ना, नहीं मैंने कहा मुझे चाहिए, अम्मी ने रोटी भी भिजवा दी मुझे, डबल रोटी और ये भी भिजवा दी, तो काली के लिए मैं बना लूंगी दोबारा सहरी में। हाँ मैंने मना किया, मैंने कहा फिर आप सहरी में फिर बनाओगी, बोला मैं बना लूंगी। ऐसी होती है माए, देखा नहीं मैं पहुंचा हूँ, फौरन पीछे फोन किया। हाँ इनके पहुंचते हैं, अम्मी ने फोन किया, पहुंच गए हो? कह रही बहुत देर हो गई, पौना एक बजे तो इधर आए हो तुम। हाँ कब्रिस्तानों में रास्ता मैं क्या करूँ, ये बच्चे माए जो होती है ना उनको बड़ी फिक्र होती है अपनी औलादों की। खाना रेडी हो गया, ये हो गया हमारा अंडा पराठा। जोहा पी जी लेके आइए, ये बिरयानी लेके चलिए, शाबाश। गरम तो करिए ना। गरम करिए, गरम करिए मेरी जान के टोटे, चलो आ जाओ। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हमारा दस्तरखाना खराब हो गया है, इसलिए अब कारपेट पे बैठ के खाना पड़ रहा है। अभी जाऊंगी मार्केट, दस्तरखान लेके आऊंगी, वो असल में फट गया था। बेड पे नहीं, बेड खराब हो जाएगा, रखो यहाँ रखो, बेड पे नहीं खाते बेटा, कभी कभी खाते हैं। चलो आ जाओ नीचे आओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो आओ। चलो ये जोहा की बिरयानी गर्म हो गई है, और ये मेरा खाना जोहा, जोहा पराठा खाना, तो पराठा भी खा लेना। अच्छा बेटा मैं भी आई, कहाँ जा रही हो? अब भी आई, बिस्मिल्लाह। ये बहुत मज़े का सालन था, दाल गोश का, जिसको भी खाना है आके खा ले, नाश्ता कर ले, और नाश्ता आज का बहुत ही यम्मी है माशाल्लाह से। चले जी अभी मैं आ गई हूँ, मशीन जा रही है ऊपर, मैंने मशीन ऊपर रखवानी है, क्योंकि कपड़े धोने का सिस्टम सारा ऊपर है, मशीन ऊपर रखवानी है। मैं छत पे जा रही हूँ, छत पे किसी हमारे सेट करके लगाती हूँ, गमले वमले सेट करके लगाती हूँ, पूरी छत को भी सेट करते हैं। जो आपकी स्कूटी भी ऊपर लेके जानी है, और यहाँ पे मशीन को ऊपर लेके जा रहे हैं, अपने हाथ वाथ बचाना सही है। चलो एक काम ये भी निमट गया, मशीन ऊपर जा रही है हमारी, अभी पूरा खाली हो गया। अच्छा जी काफ़ी लोग बोले थे आप ही, आप इधर ना कुछ मत लगवाए, इधर फ्रिज रखें, फ्रिज यहाँ रखूँगी तो डर है फ्रिज का, कहीं फ्रिज वहाँ ना गिर जाए। तो मैं जो है ना यहाँ पे भी दीवार उठवा के ना ये शेल्फ को थोड़ी बढ़ाना चाह रही हूँ, तो फ्रिज हमारा इस एरिया में आ जाएगा,
पहले फ्रिज वहाँ पे था ना, फ्रिज अभी मेरी इस एरिया में आ जाएगा। तो ये मैं चाह रही हूँ, चलो तो अभी देखते हैं फिलहाल पकाने के लिए क्या मंगवाया मैंने। पकाने के लिए मंगवाया मैंने भिंडी, मेरा दिल कर रहा था तो मैंने भिंडी निकाली, सब नींबू मंगवाए। भिंडी बनाऊँगी शाम के खाने के लिए, बर्तन सारे धो के रख दिए थे मैंने, अभी जाते हैं ऊपर और देखते हैं। जोहा इधर आइए, इधर आओ, ये देखो जी, आओ आओ छत पे चले, आओ छत पे जा रहे, आओ आओ, नहीं आओ, चलो ऊपर चलो, आओ ऊपर चले, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, स्कूटी ले गए पापा ऊपर, हाँ आ लेके गए मेरा बेटा, चलो आ जाओ, चलो 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 मम्मा की जान, चलो 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 चलो, स्कूटी भी आ गई, चलो चलो जल्दी से चलो, जल्दी से चलो, देखो छत कितनी गंदी हो रही है, कपड़े ऊपर ही धोएंगे ना बेटा, मशीन ऊपर लाएंगे। चलो जी, हमने छत छत की सफाई नहीं की अभी, छत तो कल फिर गंद होगा, फायदा कल क्या गंद होगा, प्लास्टर नहीं करोगे अभी, छत की सफाई नहीं हुई। हाँ चलो अभी साइकिल तो चला के दिखाओ जरा, कितनी स्पेस खुली है, आराम से साइकिल चलेगी, चलाओ साइकिल। अच्छा हम अपनी ग्रिल को हाथ लगाते हैं ना जीने की, तो हाथ काले होते हैं। अभी मैंने मंगवाया है रेड ऑक्साइड, उसमें लगाएंगे इंशाल्लाह शाम में खाना पकाने के बाद। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, इतनी स्पेस खुली है, कितनी मज़े की साइकिल चल रही है ना जोहा की। चलो जी मैं तो आके कुर्सी पे बैठ गई हूँ, कुर्सी हमने ऊपर रखी थी तो कुर्सी में बैठ गई हूँ। अभी हस्बैंड मना कर रहे हैं, कह रहे सेटिंग नहीं करो क्योंकि अभी कह रहे हैं प्लास्टर छत का करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारी दो सीमेंट की बोरियाँ बची हुई हैं, हस्बैंड कह रहे ख़राब हो जाएंगी, तो उसको जितना प्लास्टर हो रहा है दीवार पर जितनी जितनी हो रही है वो करवा देते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, तो जब इतना फैला है तो थोड़ा एक दिन का छत का और फैला है, नीचे तो शुक्र है सिमट गया है, तो ऊपर जरा ये कल अगर प्लास्टर हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कल पूरी सफाई करके ना अपनी अच्छे से गमले एक तरफ लगा देंगे, एक तरफ हम लोग अपनी कुर्सी टेबल लगा देंगे, और जोहा की खेलने की जगह आराम से बहुत खुली स्पेस बन जाएगी, और ग्रीन शेड लगाएंगे। और कल इसका बोर्ड लगाना है क्योंकि मुझे मशीन भी लगानी है कि कपड़े बहुत हो गए, जैसे घर बन रहा है हम लोगों ने एक दफ़ा ही मशीन नहीं लगाई। तो यहाँ पर बच्चे आ गए, बच्चे भी खेल रहे हैं जोहा के साथ, तो मैं थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ, खेल रहे बच्चे पकड़म पकड़ाई। ये देखो जोहा कहाँ छुप गई, ये देखो सही घर में ही खेलते हैं, ऊपर छत पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना सालन शाम के लिए, मैं बना रही हूँ भिंडी। तो मैंने ऑयल डाल दिया है अपनी पतीली में, सबसे पहले मैं अपनी भिंडी को ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी। वैसे तो मैं इसको बहुत सुरख सुरख फ्राई करती हूँ, लेकिन इस बार जो है मेरा दिल था थोड़ी सी मैं इसको लाइट से ही फ्राई करूँ। साथ ही मैंने इसमें दो एक नींबू डाल दिया था, ताकि ना इसका लेस पना ख़त्म हो जाता है, जिसमें लेस होती है ना वो नींबू डालने से वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इसको उससे 3 से 4 मिनट फ्राई किया, फिर मैंने निकाल लिया इसको। आप चाहें तो इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी निकाल लूँगी, दोबारा इसमें ऑयल डालूँगी मसाले के लिए, क्योंकि मैं अपना मसाला बनाऊँगी अभी इसमें। तो मसाले के लिए सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें, मैंने एक प्याज काटा है, क्योंकि मैंने कम ली थी भिंडी, क्योंकि मेरी फैमिली मैंने अपने हिसाब से ली थी, आप लोग अगर ज़्यादा लें तो क्वांटिटी मसाले की बढ़ा दीजिएगा। तो मैंने एक प्याज लिया, उसको थोड़ा सा गुलाबी किया, साथ में उसमें मैंने 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। इसको अच्छे से अपनी प्याज के साथ फ्राई करेंगे, प्याज को हमने गुलाबी रखना है, ब्राउन नहीं करना। आपको पता है भिंडी के साथ भिंडी प्याज का एक कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, और ना जो प्याज होती है ना वो बिल्कुल आप गुलाबी गुलाबी सी होती है, अच्छी लगती है खाने में भी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं किया। साथ ही मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और थोड़ी सी इमली, 4 से 5 दाने इमली के डाल दिए। साथ में मैंने नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ये डाल दिया। 4 बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला, ये मसाले डाले, इसको अच्छे से भून लिया। टमाटर को चम्मच की मदद से मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया। अब इस मसाले में हम अपनी जो फ्राई की हुई भिंडी है वो डाल देंगे, और इसको 10 मिनट के लिए हल्के चूल्हे पे ढक के पका लेंगे। साथ ही मैंने एक और नींबू इसमें ऐड कर दिया थोड़ी सी खटास के लिए, तो नींबू और इमली आप लाजमी ऐड करें, इससे जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको ढक के हम पकाएंगे 10 मिनट तक बस। सालन तो मैंने चढ़ा दिया, सालन मेरा ऐसे सा पक रहा है, बस 5 से 6 मिनट है हमारा जो है ना, ये भिंडी है वो दम पे हो जाएगी, मैं नाम भी भूल गई, भिंडी दम हो जाएगी। रोटी मैंने बाहर से मंगवाई है, घर में नहीं बनाई,
क्योंकि हिम्मत नहीं थी, तो मैंने रोटी भात से मंगवाई, साग मैंने घर बना लिया, बर्तन धोए थे, बर्तन फटाफट लगाती हूँ। और हस्बैंड को मैंने कहा कि वो सीढ़ियों की कलर कर दें, आज उन्होंने एक कोई भी काम नहीं किया घर का, कोई काम उन्होंने घर का नहीं किया। हाँ, सब सुबह भी डालेंगे, टैंक साफ करना है, अभी पानी नहीं है हमारे पास, तो टैंक भी पूरा साफ करेंगे। सेल में माल, इसमें टैंक में माल गिर गया था तो गंदा हो गया टैंक, वो साफ करना है। सीढ़ियों पर मैंने कलर मंगवा के रख लिया है, वो रेड ऑक्साइड का होता है, वो भी इन्होंने नहीं किया, वो भी कह रहे सुबह करूँगा। सारे काम सुबह करेंगे, सुपरमैन बन के, पता नहीं क्या कैसे करेंगे सुबह में सारे काम, सुबह और भी बहुत सारे काम होंगे। बस एक काम किया है मैं दिखाती हूँ आपको, उन्होंने क्या काम किया है। मैं एक गत्ते फंसाए इधर कि चिड़िया घोंसला का बनाए, एक इधर और एक इधर, ये दो काम किए इन्होंने बस, और कुछ नहीं किया इन्होंने। चलो आप फौरन से मुझे देख के तराई करने लग गए। इसकी लाजमी करनी है, चिकना रहेगा, नहीं करे नहीं सूख जाएगा तो आजाद बन जाएगा। एक को डालेंगे अपना बाजरा चुड़िया के लिए, और एक को पानी डालेंगे। चुड़िया गिरा तो नहीं देगी दीवार से कटोरियाँ? हैं, दीवार से कटोरियाँ गिरा तो नहीं देगी चुड़िया? कटोरियाँ तो पता नहीं, देखते हैं रख के। इनके लिए वो रखना पड़ेगा अंदर की तरफ करके रखना, नहीं इनके लिए वो लाना पड़ेगा जो मट्टी के पोले होते हैं। हाँ, बड़े वाले। मैंने बाजरा भर के खारिज कर दिया, अब इसके अंदर हम अपना पानी भर देंगे, तो ये हमारा ना चिड़ियों का हो गया। दूध को तो दिए, काफी लोग बोलते हैं आप रोगी के लिए ना आप पानी रख रहे हैं, पानी हमने दो मतलब रखा, कोई हमारे बर्तन उठा के ले लिया, हमने प्लास्टिक के कोले में पानी भर के रखा था मैंने, वो कोई पता नहीं ऐसे लोग यहाँ पे उठा के ही ले गए, क्या करें मतलब। और जो काफी लोग बोलते हैं आप वो डोगी की जगह साफ कर देना, खाली लाते हैं, हमने वो साफ कर दिया, अभी मैंने चावल डलवा दिए दोबारा से खाली खाली बोलने शुक्र है। जगह साफ ही रहती है, वो काम हो रहा है जैसे मट्टी मट्टी बहुत होती थी ना, तो और ये रोशनदान जो बनाया ना ये वाला, इसकी वजह से उसके ऊपर गिरा गंजा। मैंने भी अपना काम कर लिया सारा, आपके लिए गरमा ला के रखा है मैंने। वो बड़ा नेक काम किया है उन्होंने मेरी, ढूंढती रही हो चार दिन, मैं लेके आ गया हूँ। मैं तो वो भी ढूंढ रही थी, सालन हमारा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तरबूज ढूंढ रही हूँ कब से, भिंडी। वाह, अच्छा भिंडी मेरी फेवरेट सब्जी है, बंद करें। और चूल्हा भी सही नहीं करा उन्होंने, बंद करो सिलेंडर चूल्हा। में चाचा का बोल के आ गया, चाचा बंद कर रहा था, नहीं तो मैं अभी। चलो ये लेके चले जाओ ऊपर, आप जाओ पानी और वो, ताकि चिड़िया बेचारी खा लेंगी। और बहुत सारा बाद में भर दूंगी, वैसे मट्टी का कोले आएगा ना, मट्टी का कोई बर्तन। हाँ, थोड़ी वजनी लेके आना, वजनी। चलो खाना पक गया हमारा, खाना खाएंगे बस हम लोग। अब रोटी बाहर से मंगवा ली थी मैंने, वो किचन देखें बिल्कुल कितना साफ़ हो रहा है, देख कितनी खुशी हो रही है, कोई डस्ट कुछ भी नहीं है, हर चीज़ साफ़ सुथरी पड़ी है। देखें काफ़ी लोग बोले थे आप एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं, तो एग्जॉस्ट नहीं लगा रही अभी, क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं आती ना, तो इसलिए दोपहर में तो लाइट होती नहीं है, मेरा काम सारा दोपहर का होता है तो लाइट होती नहीं है। और तो इसमें ना अभी फ़िलहाल हम लोग सरिया लगवा लिए हैं, अब इस पर हम ना जाली है पड़ी है हमारे पास, जाली लगवा देंगे इसको, जब फिर लाइट का बंदोबस्त अच्छा हो जाएगा हमारा, तो फिर मैं इस पर एग्जॉस्ट फैन लगा दूँगी। सारा काम हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट, मैंने अपने तरफ से पूरा काम कर दिया, इन्होंने नहीं किया। आप सुबह इनके पीछे लगूंगी, ताकि ये ग्रिल को भी, क्योंकि ग्रिल को हाथ लगाते ना हाथ पूरे काले होते हैं, ग्रिल को कलर करेंगे, टैंक साफ करके हम टैंकर डलवाएंगे, और फिर मैं जो है ना शॉपिंग के लिए निकलूंगी घर के सामान के लिए, क्योंकि तेल घी सब कुछ राशन खत्म हो चुका है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है रमज़ान के लिए हम लोगों को। और पॉसिबिलिटी हुई तो फिर मैं एक शीट लेके आऊँगी दीवार पर लगाने की, अगर थोड़े बहुत पैसे बचे तो, वरना फिर ऐसे गुजारा करेंगे। इतना तो हो गया, शुक्र है अल्लाह ने इस दीवार पर रखा है, हमारी ये दीवार बनी। चलो सही है, सही है। अगर वो चिड़िया उसके ऊपर बैठेगी भी ना तो अंदर कोई गिरेगी, बाहर नहीं गिरेगी। सही है, सही। चलो ये काम हो गया हमारा, दो काम सारे काम हो चुके हैं। अब मैं भी ब्लॉग को एंड करती हूँ, खाना खा के बस सोएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, जो न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया। मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।